अरे बीरो, क्या धमाकेदार गाना है, अपुन भी बनाएगा। उनके पास तो स्पोर्ट्स कार ही नहीं है। चल मेरी कल वीडियो बना लेना भाई। आइडिया तो मस्त है, बट रियल वीडियो कैसे बनाते हैं? तुम्हारा भाई है साथ, तो डरने की क्या बात। हेलो गाइस, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो का टॉपिक है टू मेक प्रोफेशनल म्यूजिक रिलिकल वीडियो ऑन एंड्रॉइड यूजिंग लाइट मोशन। एंड आज की ये वीडियो कोलैबोरेटेड है ग्रुफी ग्राफिक्स के साथ। सो बीरो का चैनल चेकआउट कर लेना, फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप दोनों के इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप मुझे सुपर चैट करते हैं नो मैटर हाउ मच, तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर शाउट आउट मिलेगा, जहां अपुन के अबाउट 2K फॉलोअर्स है। एंड इस वीडियो के बाद 2K फॉलोअर्स ही होने चाहिए। एंड अभी आप सोच रहे होंगे कि सुपर चैट किधर करते हैं। सो तुम्हारा भाई अभी रेगुलर लाइव स्ट्रीम करता है, टाइमिंग 2 PM to 5 PM। सो आप अपनी ऑनलाइन क्लास के बाद मेरे लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हो। सो गेम खेलते हैं हम पबजी मोबाइल। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच लाइव स्ट्रीम्स, सो आ जाना। लेट्स गेट स्टार्टेड। Designers Groovy Graphic this side. So guys, first of all, thank you so much to Dipanshu Designs को कि उन्होंने मेरे साथ collab किया। और जैसे कि guys आप लोग देख ही चुके होंगे कि आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं, तो guys without wasting any more time, let's make it. तो गाइस सिंपली ऐसे हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, नॉर्मली ऐसे करते हैं। FPS को मैं 60 कर देता हूँ ताकि अच्छी क्वालिटी मिले। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऑडियो फाइल इसमें इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया। और गाइस ये बुकमार्क ऑप्शन से, ये बुकमार्क जो ऑप्शन है इसकी हेल्प से मैं वो जगह मार्क करूँगा जहाँ पर मुझे अपना लिरिक वाला टेक्स्ट लाना होगा। तो गाइस मैं उसको मार्क कर लेता हूँ अपने गाने के हिसाब से। तो गाइस मैंने इसको मार्क कर लिया है। ये रफली है गाइस, ये एकदम प्रॉपर बुकमार्क नहीं है, क्योंकि जब मैं इसमें टेक्स्ट और इमेज ऐड करूँगा, जब एडिट करते करते मैं इसमें हम लोग समझते जाएंगे कि यहाँ पे ऐसे इसको क्रॉप करना है। तो एक तरीके से ये रफली आइडिया देता है हमें कि हम यहाँ पे हमारा एक टेक्स्ट आएगा, यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट आएगा ऐसे। तो अब मैं यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ, जो जिसकी हमें जो हमारी मेन बैकग्राउंड इमेज होगी मैं वो ले लेता हूँ। ये जो है लिरिक वीडियो पैक की है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, मतलब हमारे दीप भाई दे देंगे इसका लिंक। तो इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ एंड तक, जहाँ तक हमारी लिरिक वीडियो है। ओके हाँ, तो इसको यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना टेक्स्ट लेके आता हूँ। और यहाँ पे जो गाइस मैंने इसको अपने क्लिपबोर्ड या फिर एक नोट्स टाइप का है, यहाँ पे मैं अपने लिरिक्स कॉपी करके रखता हूँ, जहाँ से मैं इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, उसमें यूज़ हो जाएगा। ओके माय लास्ट मेड मी फील लाइक, ओके तो यहाँ तक मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ सिंपली। तो गाइस फॉन्ट्स हमारा है बिली ओहायो और इसका साइज 64 PT। हाँ ठीक है, वाइट कलर। ओके हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेच कर दूँ इसको। एडिट टेक्स्ट, ओके तो इसको मैं एकदम हाँ
अब आ जाते हैं हम अपनी मूवमेंट पे, जो ये डायमंड टाइप का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि हम नॉर्मली काइन मास्टर में करते हैं, की ऑप्शन होता है, ऐसे इसमें लाइट मोशन में की टाइप की है हमें दे रखी है, तो इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ। ओके, फिर एक मिनट इसका साइज, यस अब ठीक है। जैसे इसलिए मैंने ये बनाया था ताकि एक रफली आइडिया हो जाए, सही से हो जाए मेरा। हाँ ओके, तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे इधर नीचे गया है, और इसको मैं अब ऊपर लेके आता हूँ। ओके यस, फिर इसको इतना छोटा कर देता हूँ। हाँ, इसको नीचे लेके जाना है इस वाले पे। थोड़ा सा गाइस इसमें आपको पेशेंस चाहिए, तब एकदम अच्छे से बनेगा। जल्दबाजी मत करना किसी भी चीज़ की, आराम से हो जाएगा सब, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आया फिर नीचे गया ऐसे। तो जो ग्राफ टाइप का एक बटन है, इस पर आप क्लिक करना है और फर्स्ट वाले पे जाना है इधर। इसको आप ऊपर ले जाओ, इस फर्स्ट इस वाले पॉइंट को ऊपर, और ये जो दूसरा पॉइंट है ये वाइट वाली लाइन के ऊपर रहेगा हमेशा। इसके ऊपर मैंने कर दिया ताकि थोड़ी स्मूथनिंग आ जाए हमारे मोशन में। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, इसको मैं इधर ले आता हूँ, इस वाले पॉइंट को इधर वाइट लाइन के अकॉर्डिंग मैं इसको रखूँगा, और ये नीचे आ जाएगा हमारा टेक्स्ट। तो ऐसे इसकी मोशन है। तो इसमें मैं थोड़ा सा शेडो ऐड कर देता हूँ ताकि ग्लोई इफेक्ट आए और अच्छा लगे देखने में। यस ठीक है इतना। तो जैसे ये मूवमेंट है, इसको मैं इसकी मैं डुप्लीकेट लेयर ले लेता हूँ ताकि मुझे वही काम दोबारा ना करना पड़े। फिर से मैं उसके बाद अपने नोट्स में गया, फिर मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ जो मुझे लेना है। आई वुड नेवर ट्राई अगेन, यस कॉपी, इसको मैंने कॉपी कर लिया। फिर एडिट टेक्स्ट पे जाना है, फिर से मैं इसको एडिट कर देता हूँ नॉर्मली जैसे मैंने पहले किया था। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो बुक मार्क्स हैं ये रफली हैं, प्रॉपर एक तरीके से नहीं है, रफली आइडिया देते हैं कैसे आपको यहाँ पे एडिट करना है। तो गाइस जैसे 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 इसमें हमारा गाने के साथ ये बैठ रहा है, सिंक हो रहा है, तो वहाँ वहाँ पे मैं प्रॉपर अब बुक मार्क्स लगा दूँगा। तो यहाँ पे आता है ये, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही ट्रिम हो जाएगा ये, थोड़ा यहाँ बुक मार्क लगा है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, और ये जो वाला बुक मार्क था इसको रिमूव कर देता हूँ। तो इसको आप गाइस बार बार प्ले करके देखते रहना ताकि आपको पता चले आप जो एडिट कर रहे हो वो सही हो रहा है कि नहीं, या फिर उसमें दिक्कत आ रही है। जैसे इधर थोड़ा सा ये पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और फिर मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, इसको भी मैं सही करता हूँ। इसको आप गाइस बार बार देखते रहना कि आप कैसे क्या एडिट हो रहा है, क्योंकि फिर पता चले एंड में आप देखो एंड प्रोडक्ट इसका अच्छे से नहीं है और आपको दिक्कत हो। थोड़ा सा और तो यहाँ पे मैं बुक मार्क लगा देता हूँ, और जो पुराना वाला था उसको हटा देता हूँ मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पे। तो गाइस ये आप ध्यान रखना, ये जो की है ये हमेशा मिडल में रहे, फिर उसके बाद बीच में मैं बीच में नहीं, जो हमारा नेक्स्ट लिरिक होगा उसको मैं यहाँ पे नोट्स से कॉपी करके ले आता हूँ। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम बच जाएगा, वही टेक्स्ट को हम डुप्लीकेट लेयर करके करेंगे। तो कॉपी, और फिर इसकी डुप्लीकेट लेयर लेके इसको वैसे मैं अपने गाने के हिसाब से एडजस्ट करूँगा, सिंकिंग हो जाएगा बुकमार्क उसके हिसाब से एडजस्ट करने के बाद। ऐसे धीरे धीरे सारे एक एक टेक्स्ट को मैं ऐड करता जाऊँगा। तो गाइस मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो को ताकि टाइम वेस्ट ना हो।
my head it was empty. But I know that I want to be where you are. I was denied. I had spent those years, did not recognize the person that's inside. तो गाइज यहाँ पे मैंने अपने इसमें टेक्स्ट इफेक्ट्स टेक्स्ट ऐड कर दिए, जहाँ जहाँ पे मुझे लिरिक्स चाहिए पूरे ऐड कर दिए मैंने। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल इधर ही रखता हूँ और अपना बैकग्राउंड इरेजर एक ऐप खोल दूँ। इससे गाइज ये होगा कि जब उसमें आपकी एनिमेशन आएगी तो वो कुछ ऑब्जेक्ट्स के पीछे आएगी, जैसे मैंने उसके हिसाब से आप बैकग्राउंड लोगे। तो जैसे मैंने एक जंगल टाइप का बैकग्राउंड लिया है तो उसमें लीव्स आएंगी, टेक्स्ट के आगे लीव्स आएंगी, लीव्स के पीछे टेक्स्ट आएगा, तो बहुत मतलब अच्छा लगेगा। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो दूसरे इमेजेस आप लोग यूज़ करोगे कोई सा भी बैकग्राउंड, तो उसको आप इरेज कैसे करोगे। तो इससे जैसे मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि इसकी तो PNG अवेलेबल होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में दीप भाई दे देंगे लिंक, इसका लिंक दे देंगे। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो मैंने इमेज को इरेज कर लिया, तो फिर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं लाइट मोशन में फिर से आ जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको अपने जो PNG इमेज है इसको मैं ऐड करूँगा जो मैंने इरेज की है। यस, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो मैं इसको सबसे पहले स्ट्रेच कर देता हूँ एंड तक, ओके। फिर इसके बाद अब गाइज यहाँ पे आपको थोड़ी क्रॉपिंग करनी होगी क्योंकि तभी दो इमेजेस के बीच में अच्छा सा ट्रांजिशन आ पाएगा। तो मैं यहाँ पे क्रॉप कर लेता हूँ। मिडल स्प्लिट एड मिडल एड जो हम लोग काइन मास्टर में करते हैं, तो वो इसमें आपको इस पर कर देना है और इधर ऐसे कर देना है। ऐसे ऐसे आप मिडल स्प्लिट एड मिडल एड करते जाओ दोनों बैकग्राउंड इमेजेस के साथ और जो PNG इमेज है उसके साथ आप इरेज करते जाओ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है, इसको क्रॉप कर दिया है। तो जैसे कि कुछ में बैकग्राउंड है वो टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, जो बैकग्राउंड इमेज उसके ऊपर आ रही है बस सिंपली उसको उसकी लेयर जो है उसको पीछे भेज देना है, बस सिंपली, और कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसे मैं बाकी सबके साथ कर देता हूँ। और गाइस हाँ, इसमें आप ये ध्यान रखना, ये जो मैंने हम लोगों ने इमेज जो इरेज की थी वो ऊपर रहे, तभी ये इफेक्ट आएगा जो अच्छा लगेगा हमें। लीव्स जो लीव्स के पीछे जो टेक्स्ट आएगा तभी वो हमें शो होगा। तो जो PNG इमेज है इरेज, हमारी जो इमेज है वो सबसे ऊपर रहेगी टेक्स्ट के और सबसे पीछे रहेगी जो हमारी मेन बैकग्राउंड इमेज होगी।
तो गाइस मैंने इसको सारी इमेज को अब सेट कर लिया है, तो हमारा आधा काम तो हो गया है और इसमें हम कुछ नहीं करना है, बस ट्रांजिशंस डालने हैं। तो गाइस ट्रांजिशंस तो यूट्यूब पे बहुत सारे आराम से बहुत सारे मिल जाते हैं, तो मैंने जिस इस वीडियो में जो यूज़ किया ट्रांजिशन उसका लिंक दीप भाई दे देंगे। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाले ट्रांजिशंस इधर, तो सिंपली कुछ भी नहीं करना है, इफ़ेक्ट्स कॉपी करके उसमें पेस्ट कर देना है उन तीनों इमेज में। यहाँ से कॉपी इफेक्ट्स किया और इधर जो है हमारी जो लिरिक वीडियो इरेज इमेज जो बैकग्राउंड है इन तीनों में लगा दिया। और जैसे क्या होता है गाइस दिक्कत आती है ये इसमें, एक मिनट, हमने इफेक्ट तो पेस्ट कर दिए, ये टेक्स्ट इतने सारे आ गए, तो इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, टाइल्स को रिमूव कर दो। यस, टाइल्स रिमूव कर दोगे तो सब वैसे हो जाएगा फिर से। ऐसी फिर मैं वापस अब फिर मैं इसे ले लेता हूँ इफेक्ट्स, इन तीनों में आपको ये इफेक्ट्स हैं इनको पेस्ट कर देना है जो हमने कॉपी किए थे। और ये जो टेक्स्ट वाला जो ये दिक्कत आती है इसको मैंने आपको बताया दिया है, टाइल्स को है, टाइल्स को आप ऑफ कर दो, जो आई सिंबल है उस पर आप कट कर दो तो ये बंद हो जाएगी। ऐसी जो सारी लेयर्स हैं उनमें मैं ये इफेक्ट्स लगा देता हूँ। तो ये मैं लास्ट वाले में इफेक्ट्स डाल रहा हूँ, बस ऑलमोस्ट हमारा सारा काम हो ही गया है। ओके तो गाइस इसको आप यहाँ पे प्ले करके मत देखना, क्योंकि हमने बहुत सारी लेयर्स ऐड किए हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स ऐड किए हैं इसमें, तो लाइट मोशन एकदम लैग होने लग जाएगा, तो दिक्कत भी बहुत आएगी। इसको आप एक्सपोर्ट कर लो तब आप देख लेना कैसा एकदम लगेगा। तो गाइस हमारे यहाँ पे फाइनली पूरा बन के तैयार है, हमारी जो आज की वीडियो थी वो गाइस यहीं पे एंड होती है। और गाइस जाने से पहले एक बार मेरा चैनल प्लीज़ चेकआउट कर लेना। और गाइस फिर से थैंक यू सो मच टू दीपांशु डिज़ाइंस को जिन्होंने कोलैब किया मेरे साथ, थैंक यू सो मच ब्रो कोलैब करने के लिए मेरे साथ। आई होप गाइस यू इन्जॉयड दिस वीडियो। और गाइस ये मेरी पहली वॉइस ओवर वीडियो थी, कभी वॉइस ओवर की नहीं थी, तो इसलिए आपको बैकग्राउंड नॉइसेस भी बहुत सुनाई दी होंगी और थोड़ा ब्लफिंग भी सुनाई दिया होगा। तो गाइस प्लीज़ इग्नोर करना, प्लीज़ माफ़ कर देना अगर कोई गलती की हो। और गाइस अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो मेरे चैनल पे, मेरे चैनल का लिंक दी बाय डिस्क्रिप्शन में अपने दे ही देंगे। तो गाइस आई होप यू इन्जॉय द टुडेज़ वीडियो। तो गाइस मिलता हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। तो गाइस Keep supporting guys. Thank you so much. Bye-bye.